तो मैं आपको अपनी गार्डनिंग चाहे ग्रोइंग कंटेनर में कुछ अपडेट करता हूँ। तो आज ना मैं ना ये अनार है ये पड़ा है 6 इंच के पॉट में, ये भी आपको दिखाता हूँ। इसको डालूंगा कराची वाले, इसको 20 इंच का पॉट कहते हैं, ये पड़ा है लेकिन ये 20 इंच का होता नहीं है लेकिन ये बिकता 20 इंच पे ही है। तो इसको मैं इस अनार को मैं डालूंगा, ये देखिए 6 इंच के पॉट है ये, इससे निकाल के इसमें डालते हैं और इसी घास में उगाऊंगा। तो चलें अभी मैं इसको निकालता हूँ फिर आप शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने गड़ा कर लिया है, ये पौधा मिट्टी डाल रहा हूँ और ये निकाल लिया है मैंने पौधा। तो ये देखिए कितना बड़ा पौधा है, उसके 6 इंच के पॉट में। तो अब ये जाएगा इस पॉट में, तो अब मैं इसमें मिट्टी डालता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले इसको इसमें रखता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने इसमें डाल दिया है, इसके डालने वाला पार्ट में से उड़ गया है, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, उसके गमले से निकाला और क्या किया, और ये लकड़ी ली, गमले के सेंटर पॉइंट से इसको मिलाया तो ऐसे फेरता गया भाई, यहाँ भी वही फासला, यहाँ भी वही फासला, यहाँ भी वही फासला, और फिर इसको गमले को दबा दिया। ये देखो ये निकाला मैंने, ये रहा गमला और ये देखो है बराबर, ये मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ, यहाँ पे इसको हुआ और यहाँ से पकड़ा। तो ये सारे फासले, चारों फासले बराबर होने चाहिए बस, आप ऐसे कर लेना है। तो आप क्या करना है, आप इसको पानी दे देना है, इसकी मैं वो बनाता हूँ चौकड़ी, पानी दे के फिर इसकी चौकड़ी बनाता हूँ ऐसे गोल और बस। तो ये थी फाइनल प्रोडक्ट, ये मैंने गमले ज़मीन में से दबाए हैं क्योंकि ना मैं इनको बाद में अगर अपनी मर्ज़ी, देखिए ना अभी ये लाइन अप नहीं है तो इनको मैं बाद में शायद लाइन अप करके रखूँ, इनको मुझे ज़मीन से नहीं निकालना पड़ेगा ताकि इनकी रूट्स डैमेज ना हो। और नीचे ना गमले से ना नीचे अगर कोई रूट निकल गई तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको गमले में ही फल लगा के खाना चाहता हूँ। तो आज मैं इन तीनों को बल्कि चारों को नीचे गमले में डाला है, इसका सारा रूट बॉट टूट गया था, ये मुरझा गया है, लटक रहा है, लेकिन आई थिंक सो शायद बच जाए क्योंकि इसका सारा ही टूट गया था, बाकी किसी का नहीं टूटा, सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये मैं अगेव लाया था, इसका गमला टूट गया आते आते ये वाला, तो मैं इसको और गमले में डाला है। तो अब मैं इस वीडियो को एंड अप कर रहा हूँ, जाते जाते आपको इनकी प्रोग्रेस भी दिखा रही हूँ कि आप फूटने लग गए हैं और ये जो फ्लावरिंग है इसकी, ये भी अब बड़ी हो गई है, तो ये भरा पड़ा फ्लावरिंग से, इसके नीचे भी गमला है, सबके नीचे गमले हैं। तो ये थी वीडियो, मैं इसको एंड अप करता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।